हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ए कैन फ्यूचर स्टडी पॉइंट तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्व फिजिक्स सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021 और 22 मॉडल प्रश्न पेपर सेट नंबर वन का सोल्यूशन करना है किसका करना है सेट नंबर वन का तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में पार्ट वन था उसमें हमने सेट नंबर वन का सेक्शन वन और सेक्शन टू यानी कि ए और बी का सोलूशन कर दिया है क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर चौदह तक ये सारे क्वेश्चन किए थे और आज किस वीडियो में हम फ्रेंड्स सेक्शन नंबर सी का ये सारे क्वेश्चन का सोलूशन कराया हुआ है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हो और फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम सेक्शन सी का सोल्यूशन करने वाले हैं फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पंद्रह से लेकर के उन्नीस तक पंद्रह से उन्नीस तक जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस सबका डेरिवेशन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से पंद्रह से और उन्नीस तक के सारे क्वेश्चनों को सोल्यूशन करते हैं और जो पार्ट वन नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख सकते हैं तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन वाले सेट पर फिर वहाँ से हम सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेट नंबर वन पार्ट टू है पार्ट वन में था क्वेश्चन नंबर वन से चौदह तक और आज के वीडियो में हम पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर पंद्रह से उन्नीस तक के क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे ये सारे का डेरीवेशन दो दो तीन तीन पेज में जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको अपने कॉपी पर लिखना और एक दो बार अपने से रिवाइज करना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इसमें ज़्यादातर डेरीवेशन मैथ के रूप में है यानी कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएसन इसमें यूज हो रहा है तो आपको डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के कुछ रूल मालूम होने चाहिए और क्या होगा आप इसको दो बार तीन बार अपने से रिवाइज़ करेंगे इसको तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा एक बार में याद नहीं होगा आपको दो तीन बार रिवाइज करना ही पड़ेगा तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पंद्रह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह है कि नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उल्लेख करें क्वेश्चन नंबर में था कि नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उल्लेख करना है ये एक क्वेश्चन है दूसरा बोला है कि उत्तल गोलाकार अपवर्तक सतह पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की अपवर्तन के लिए निम्नलिखित व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जहाँ म्यू बड़ा है म्यूवन से क्वेश्चन कह रहा है इसमें दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उल्लेख करना है ये क्वेश्चन था एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर उत्तल गोलाकार अपवर्तक सतह पर उत्तल गोलाकार लेंस है उसके अपवर्तक सतह पर बिरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है किसे बिरल से सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है तो जब ये अपवर्तन होगा इसका अपवर्तन होगा प्रकाश का उसके लिए व्युत्पन्न ज्ञात करना है व्युत्पन्न व्यंजक प्राप्त करना है जहाँ क्या है म्यू टू बड़ा है म्यूवन से यहाँ पर दिया हुआ है इसी को हमको क्या करना है ज्ञात करना है माइनस म्यूवन बट्टे यू है प्लस म्यू टू बट्टे बी है बराबर म्यू टू माइनस म्यूवन बट्टे आर यही है इसी डेरिवेशन को हमको ज्ञात करना है इसमें दो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है नए कार्तीय चिन्ह परिपाठी का उल्लेख करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे नए कार्तीय चिन्ह परिपाठी होता क्या है नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि एक ऐसा उत्तल लेंस है उत्तल दर्पण और इसके बीच में एक क्या रहा है समांतर रेखा या प्रभा प्रवाहित हो रही है किरण प्रवाहित हो रही है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पी पोल ध्रुव कहते हैं अब यहाँ बोला है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती हैं चीन परिपाटी में अगर आप पढ़ेंगे चीन परिपाटी के कुछ रूल होते हैं तो उसमें क्या होता है सभी दूरियों को ध्रुव से ही मापते हैं ध्रुव से जीरो पॉइंट जहाँ से जीरो होता है पोल ध्रुव से ही मापते हैं या दाई तरफ हो या बाई तरफ हो किसी किसी भी और हो तो सभी का दूरी किस किससे मापते हैं ध्रुव से मापते हैं तो ये इसका एक नियम इसका एक क्या है उल्लेख है सेकेंड है कि जब हम आपत्ति दिशा की ओर चलेंगे तो धनात्मक दूरी मानी जाएगी अगर चीन परिपाटी में मान लो इधर से क्या आ रहा है प्रकाश आ रहा है तो हम इधर से इधर चल रहे हैं आपती दिशा की ओर चल रहे हैं तब जब हम आपती दिशा की ओर चलेंगे इस तरफ से इस तरफ यानी कि जब प्रकाश इधर आ रहा है जब प्रकाश क्या हो रहा है इस तरफ आ रहा है पोल की तरफ इधर यहाँ पर आ रहा है तो हम इसी की दिशा की ओर चलेंगे तब क्या होगा दूरी धनात्मक मानी जाएगी क्योंकि हम प्रकाश की दिशा की ओर चल रहे आपती दिशा की ओर चल रहे हैं तो तब क्या होगा दूरी धनात्मक माना जाएगा थर्ड में क्या है कि जब आपतित किरण की उल्टा दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक दूरी मानी जाएगी क्या है कि अगर प्रकाश इस तरफ से आ रहा है और हम इस तरफ चल रहे हैं तो जब यह दूरी इस तरफ हम उल्टा करेंगे आपतित किरण की आपती दिशा के उल्टा चलेंगे तो दूरी को ऋणात्मक माना जाएगा ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा तो यहाँ पर नया कार्तीय चिन्ह का यही तीन उल्लेख था फर्स्ट में क्या था कि सभी दूरी पोल ध्रुव से मापी जाती है सेकेंड में क्या है कि जब हम आपतित दिशा की ओर चलेंगे तो धनात्मक मानी जाएगी और जब हम आपतित दिशा की उल्टा दिशा में चलेंगे तो क्या होगा ऋणात्मक माना जाएगा तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पंद्रह का एक क्वेश्चन सोल्यूशन अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि नए गोल उत्तल गोलाकार अपवर्तक सतह पर अगर बिरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है इसको क्या करें इसको साबित करना है कि इतना होता है कि नहीं तो चलिए इसको देखते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है शायद आपको भी फिगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है फिगर आपको बहुत ही इजिली पूर्वक बहुत ही यूजफुल एवं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा फिगर में कुछ नहीं है सिर्फ आपको देखना है अभी शायद आपको लग रहा होगा कि क्या है लेकिन थोड़ा सा इसको आप वेट कीजिए आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन था कि गोलाकार सतह के लिए तो यहाँ पर एक गोलाकार हमने ले, ले लिया है गोलाकार उत्तर ले लिया लेकिन अभी आपको यहाँ समझ में नहीं, नहीं आएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना जब भी आप फिजिक्स में कोई भी डेरी डेरीवेशन बनाएंगे तो आपको एक नियम का पालन करना पड़ता है अगर वो आप वो नियम का पालन करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे नियम क्या होता है कि जब भी आप कोई फिगर बनाना तो फिगर बनाकर जो भी फिगर में आप ऐड करना जो भी यू भी म्यू टू म्यू वन आई अल्फ़ाबेटा जो भी मानना उसको आप क्या करना माना की लेट करके कि माना कि इस फिगर में ये चीज़ है वो चीज़ है और हमने इसको ऐसे ऐसे माना है अगर आप उस पॉइंट को लिखते हैं तो आपको जो परीक्षा जांच करेंगे टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे क्योंकि तो अब वो उसको उनको भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें इस बच्चा क्या क्या बनाया है तो जब आप उसको लिख देंगे ना इस तरह से मान लिया ये ये चीज़ वो चीज़ हमने जो जो भी माना है वो चीज़ लिख देंगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा वो जो परीक्षक कॉपी जाँच करेंगे आपको फुल मार्क्स दे देंगे तो इस क्वेश्चन के लिए हमने फिगर को बनाया है तो इस फिगर में हमने क्या क्या ऐड किया है फिगर क्या कह रहा है उसको देखते हैं तो यहाँ पर बोला है कि मान लिया ए बी पी किसी गोलीय पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है यहाँ पर पी है यहाँ पर ए बी पी ए बी पी क्या है ए बी पी है बोला है कि मान लिया ए बी पी किसी गोलीय पृष्ठ का किसी गोलीय पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है यहाँ पर गोलीय पृष्ठ है आपको शायद समझ में नहीं आएगा तो आप इसको अपने से जब मैं बताऊंगा तो इसको आपको अपने से कॉपी पर लिखना है और फिर उसको अपने से ही व्हाइट बोर्ड या कुछ भी हो कॉपी पर दो दो बार तीन बार रिवीजन करने से आपको मेनली एकदम सिंपल तरीके से याद हो जाएगा ये डिस्प्ले छोटा है तो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा बार बार ऊपर नीचे करने पर तो आपको टेंशन नहीं लेना है इसको आप कॉपी पर उतार के एक बार अपने से रिवाइज़ कर लीजिएगा एक या दो बार आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि मान लिया ए बी पी किसी गोलीय पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है ठीक है जिनके बाई और म्यूवन अपर्तांग का माध्यम है तथा दाई और म्यूटू अपर्तांग का माध्यम है ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना ये याद करने वाली चीज़ नहीं है जो आप फिगर में माने हैं ना उसी को सिर्फ लिख देना कि भाई हमने फिगर में ये चीज़ मान ला है मान करके क्या बोला है कि तो जिनके दाई और जिनके बाई और जिनके बाई और, और क्या है म्यूवन है अपूर्णांग का माध्यम और दाई और म्यूटू अपरतांग का माध्यम तो देखते हैं बाई और क्या है यहाँ पर देखिए बाई और म्यूवन है तो हमने देखा है बाई और हमने यहाँ म्यूवन मान रखा है ये इसको हमने इस बारों को हम म्यूवन मान रखा है और दाई और क्या माना मान है म्यूटू मान लिए हैं ये तो माना हुआ है वही हमने यहाँ पर लिखा है अब क्या करें कि इस पृष्ठ का ध्रुव इस पृष्ठ का इस पृष्ठ का जो ध्रुव है वो पी है वक्रता केंद्र सी है तथा तो वक्रता त्रिज्या आर है अब इसको देखते हैं इस पृष्ठ का ध्रुव पी है वक्रता केंद्र सी है और वक्रता त्रिज्या आर है यहाँ पर दिया हुआ है यही चीज को हमने लिख दिया है अब क्या बोल रहे हैं वक्रता त्रिज्या आ है इसके मुख्य अक्ष के बिंदु ओ पर एक वस्तु है इसके मुख्य अक्ष के बिंदु ओ पर यहाँ पर बिंदु ओ है हमने नहीं दर्शा पाया यहाँ पर बिंदु है इसके मुख्य मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्ष है इसके ओ बिंदु पर यहाँ पर एक वस्तु है क्या है एक वस्तु है अब बोल रहा है कि जब यहाँ पर एक वस्तु है जिसके निकलने वाली प्रकाश किरण ओ ए है क्या है जो उससे जो प्रकाश किरण निकले वो ओ ए है अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर है कि ओ पर एक वस्तु है जो इससे प्रकाश किरण निकल रहा है जो ये प्रकाश किरण निकल रहा है वो क्या है यहाँ पर ओ ए है यहाँ पर भी हमने ए मान रखा है तो यहाँ पर यह प्रकाश किरण ओ ए है यहाँ पर ए है तो यहाँ किरण क्या हो गया ओ ए हो गया अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या करे करें जो अपवर्तन जो अपवर्तन के पश्चात वस्तु का भाषी प्रतिबिंब आई पर बनाता है जो अपवर्तन के पश्चात वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर यह जा रहा अपवर्तन होगा जिसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ आई पर बन रहा है, है यह था अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि आई पर बनता है बिंदु एस से ओ ए पर एल डाला जिसकी लंबाई बिंदु ए से ओ ए पर बिंदु ए से ओ ए पर एल लम डाला जिसका लंबाई एच है बिंदु ए से ओ ए है इस पर यहाँ पर है बिंदु ए से ओ ए है इस पर एक लम्ब डाला इस पर क्या किया एक लम्ब डाले जिसकी लंबाई क्या है एच है तो यहाँ पर है यहाँ पर ये लंबाई है जिसकी लंबाई हमने क्या मान रखा है एच मान रखा है तो ये सारा इसमें बोल रहा था क्वेश्चन में कि हमने ये ये चीज माना है अब क्या करेंगे हम इसको ये तो हमारा हो गया जो हमने मान कर रखा था कि ये चीज हमने मानकर इस फिगर को बनाया तो आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या है अब पूर्णांक इधर म्यू वन मान रखा है इधर म्यू टू मान रखा है ध्रुव ध्रुवी है वक्रता त्रिज्या आर है वक्रता केंद्र सारा चीज़ दे हुआ है अब यहाँ पर ओ पर वस्तु है इसकी प्रकाश किरण ओ ए है इस पर लम डाला हुआ एच है ये सारा आपका फिगर है अब इस पर भी एक लम है उसको क्या कर देंगे हम एन कह देंगे अब चलते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि अब स्नेल के नियम लगाएंगे क्या करेंगे स्नेल के नियमानुसार अगर आपने स्नेल के नियम पढ़ा होगा तो वहाँ पर होगा स्नेल के नियमानुसार अब यहाँ क्या स्नेल का नियम क्या कहता है कहता है कि म्यून म्यूवन साइन आई बराबर होता है म्यू टू साइन आर यही फार्मूला से हमारा क्या होगा सिद्ध होगा बोला, <travailleoplan topics> बोला है कि म्यू वन साइन आई बराबर होता है म्यू टू साइन आर होता है अब इसमें क्या होता है म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर वो रहा है कि उपाची किरणों के लिए आई तथा आर का मान काफी छोटे होंगे जो ये आई है ना ये आई और इसका आर इसका मान बहुत ही छोटा बहुत ही एकदम छोटा निम्न है इसके लिए क्या बोला कि उपाछय किरणों के लिए जो एक प्रकाश किरण निकल रही थी वस्तु से उसके लिए आई तथा आर मान काफ़ी छोटे होंगे अतः हम क्या कर देंगे ना कि साइन आई बराबर आई मान लेंगे और साइन आर बराबर आर मान लेंगे क्योंकि आई और आर मान बहुत ही छोटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर था म्यू वन साइन आई और यहाँ पर था म्यू टू साइन आर अब साइन आई और साइन आर की जगह पर सिर्फ आई और आर हो जाएगा तो हमारा इस तरह से बन जाएगा म्यू वन साइन आई साइन आई की जगह पर आई हो जाएगा तो म्यू वन आई और साइन आर की जगह पर आर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा म्यू टू आर तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा निकल गया कि म्यू वन आई हो जाएगा और बराबर में म्यू टू आर हो जाएगा अब हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे मान लिया कि रेखा ओ ए आई ए तथा सी ए मुख्य अच्छ के साथ क्रमशः सा अल्फा बीटा तथा थीटा का कोण बनाती है क्या बोला कि ओ ए आई ए और सी ए मुख्य एच के साथ अल्फा बीटा और थीटा कौन बनाती है ओ ए आई ए और सी ए ओ ए आई ए और सी ए देखिए यहाँ पर क्या है ओ ए है आई ए है और क्या है सी ए है ये यह अल्फा यहाँ पर अल्फा बीटा और थीटा के कौन बनाती है जो फिगर में वही चीज़ हमने वहाँ लिखा है अब देखते हैं क्या बोला था कि मान लिया रेखा ओ ए आई ए और सी ए मुख्य एच के साथ अल्फा बिटा और थीटा के कौन बनाती है बास है हमने अभी आपको देखा दिया अब बोला है कि अगर बनाती है तो अतः त्रिभुज ओ ए सी से अगर त्रिभुज ओ ए सी में हम लेंगे तो क्या होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे ओ ए सी यहाँ पर बोला है ओ ए सी इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में हम लेंगे तब क्या होगा कि त्रिभुज ओ ए सी से अब हम त्रिभुज ओ ए सी में लेंगे तो हमारा हो जाएगा Q बराबर आर क्यू बराबर अल्फा अल्फा प्लस आई हो जाए। जाएगा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस आई हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे न कि सॉरी थीटा बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस आई हो जाएगा तो हम यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस आर आर को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा आई बराबर थीटा माइनस आर तो ये हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गया आई का मान इसका हमारे आगे उपयोग पड़ेगा अब हम क्या करेंगे उसी तरह से त्रिभुज आई ए सी में ले लेंगे क्या ले लेंगे आई ए सी में त्रिभुज आई ए सी को देखेंगे आई ए सी कहाँ है तो त्रिभुज यहाँ पर है आई है ए है और सी है पिछले बार हमने इसको लिया था इसको लिया था लेकिन इस बार हम सिर्फ इसको लेंगे क्या करेंगे सिर्फ इसको लेंगे इस तरह से आई ए सी को तो इसका कैसे बनेगा तो इसका बनेगा आई सी जब हम लेंगे तो वहाँ बनेगा थीटा बराबर आर प्लस बीटा क्या होगा आर प्लस बीटा तो आर के मान यहाँ से निकालेंगे आई और तो आर के मान तो आर का मान निकलेगा तो थीटा माइनस बीटा बन जाएगा तो ये हमारा आर का मान हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आई मान हो जाएगा अल्फा माइनस ठीठा माइनस अल्फा आई का मान और थीटा माइनस बीटा आर का मान अब हम क्या करेंगे आई और आर के मान, गे गे? मान को समीकरण एक में रख देंगे जो हमने पीछे यहाँ पर समीकरण बनाया था यहाँ पर जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ था समीकरण इक्वेशन आई i म्यू वन आई था और क्या था बराबर में म्यू टू आर था अब हम आर और आई कमान इसमें पुट कर देंगे समीकरण में तो जब हम पुट कर देंगे तो आई कमान था थीटा माइनस थीटा माइनस क्या था यहाँ पर देखते हैं फिर से आई था माइनस आर टू था तो ये दोनों को आई कमान पुट कर देंगे यहाँ पर और आर कमान पुट कर देंगे तो म्यू टू बराबर हो जाएगा ठीठा माइनस बीटा और म्यू वन बराबर हो जाएगा अल्फा ठिटा माइनस अल्फा यहाँ म्यू टू था वहाँ म्यू वन था अब यहाँ क्या था यहाँ था उल्टा पर यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा था म्यू वन आई और यहाँ पर लिखा था म्यू टू आर अब घबराना मत इसको हमने उस वहाँ पर पलट दिया है आगे इसको म्यू टू आर को कर दिया और बाद में म्यू वन आई को कर दिया है यहाँ पर गया म्यू टू आर आर का वैल्यू था और ठिटा माइनस बीटा आर का वैल्यू क्या था यहाँ पर आर का वैल्यू थीटा माइनस बीटा था और आई का वैल्यू क्या था म्यू वन में आई का वैल्यू थीटा माइनस अल्फा ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन सेकेंड बन गया क्या बन गया इक्वेशन सेकेंड बन गया इसको हमने समीकरण सेकेंड मान लिया अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मेरा मिल गया अब हम थोड़ा सा और काम करेंगे क्या करेंगे यदि बिंदु सी पी के अधिक निकट है बोला है यदि अगर बिंदु सी है ना वो पी के बहुत ही निकट है तो कौन क्या होगा अल्फा बीटा और थीठा ही छोटे होंगे अतः रेडियन में व्यक्त करने पर क्वेस्चन बोल रहा है यदि बिंदु सी यहाँ पर है कि यदि बिंदु सी जो है ना ये बिंदु सी अगर ये पी के बहुत ही निकट है तो अल्फा बीटा और थीटा बहुत ही छोटा हो जाएंगे बस यही है अगर सी को हम इसके निकट और ला देंगे तो ये कौन का मान घट जाएगा वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर बिंदु यदि बिंदु सी पी के अधिक निकट है तो कौन अल्फा बीटा और थीटा के छोटे होंगे अगर निकट हो जाएगा तो कौन भी छोटा हो जाएगा अतः रेडियन में व्यक्त करने पर उसको रेडियन में व्यक्त करेंगे तो रेडियन में कैसे व्यक्त करेंगे अल्फ़ा बराबर मानेंगे टेन थीटा और बीटा बराबर टेन बीटा और थीटा बराबर टेन थीटा अब अल्फ़ा को क्या मानें। अल्फा मानेंगे हम ए एल बटे ओ एल अल्फ़ा बराबर मानेंगे ए एल बटे ओ एल तो यहाँ से फिगर से हम सब चीज़ देखेंगे अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए एल अल। ए एल बटे ओ एल हो जाएगा अब कैसे होगा यहाँ पर ओ था तो यहाँ पर लिए ए एल लंबाई लिए ए ए एल बटे ओ एल आधार बटे लंबाई तो कर्ण ज्ञात हो जाएगा और सभी को उसी तरह से लेंगे इसका लेंगे अति ए आई एल बटे आई एल आई ए बटे आई एल इसका होगा आई सी ए बटे सी एल इस तरह से हो जाएगा जिसको हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर सभी मजा है कि ए एल बटे ओ एल ए एल बटे आई एल और ए एल बटे सी एल, एल अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन को देखेंगे बोला था कि यदि सी पी के अधिक निकट है तो अल्फा बीटा कौन छोटा होगा अब सी पी के अधिक निकट है ओएल को हम ओ पी मान सकते हैं एल बोला था कि सी जो है ना वो पी चल गया तो जो हमारा एल है वो भी पी चला जाएगा तो ए एल ऊपर रहेगा ओएल को हम ओ पी मान लेंगे आई एल को आई पी मान लेंगे और सी एल को सी पी मान लेंगे कैसे ओ एल को ओ पी कैसे माने हम यहाँ पर देखते हैं फिर से फिगर में यहाँ पर ए एल था ओएल था यहाँ पर यहाँ पर क्या था ओएल ओयल था अगर ओयल ये दूरी घट गया क्या हो गया ये दूरी हाटी तो ओ एल क्या बन जाएगा ओ पी बन जाएगा आई एल क्या बन जाएगा आई पी बन जाएगा सी एल क्या बन जाएगा सी पी बन जाएगा यही फिगर में भी था और यहां पर बता भी दिया कि जो ए एल है वो जो ए एल है वो एल रहेगा ओ एल जो ओ पी बन जाएगा आई एल होगा आई पी बन जाएगा और सी एल होगा सी पी बन जाएगा अब हम ये तीनों के मान को पुट कर देंगे अब ए एल बटे ओ पी क्या बोला है कि ए एल बटे ओ पी इसका मान कितना है तो हम यहाँ देखेंगे फिगर में बार बार ऊपर नीचे करने पर शायद आपको समझ में ना आ रहा होगा तो आप इसको दिक्कत मत करना यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि ए एल बटे ओ पी इसका मान बताएं तो यहाँ पर देखेंगे ए एल और ओ पी का मान तो यहाँ पर है ए एल ए एल है ए ओ एल है और ओ और पी है तो इसका क्या है ए एल बटे ओ पी इसका वैल्यू एच है और ओ पी ओ पी का वैल्यू कितना यहाँ पर है यू है क्या है यू है तो एल के लिए एच मान लेंगे और ओ पी के लिए यू मान लेंगे तो फिर से हम पीछे चलते हैं वहाँ पर तो एल के एल एल के लिए हमने एच मान लिया और ओ पी के लिए यू मान लिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया अब क्या करेंगे बीटा के लिए एल बटे आई पी तो एल के लिए एच मान दिया और उसी तरह से आप वहाँ फिगर में देख लेना आई पी के लिए हमने माइनस भी मान दिया एल के लिए तो आई पी और सी पी को देखते हैं पहले यहाँ पर एल के लिए तो एच होगा ही होगा एल के लिए यहाँ भी एच होगा अब आईपी और सीपी का वैल्यू को देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर आईपी और सीपी सी पी यहाँ पर क्या है आई पी सी पी आई और पी इसके लिए कितना है भी है और सी और पी इसके लिए कितना है आर है तो आई के लिए भी और सी के लिए सी के लिए आर आई के लिए क्या था भी था और सी के लिए आर था तो आई के लिए भी माने माइनस में और सी के लिए आर ये भी माइनस में माने तो तीनों के लिए रेडियन तो में हमारा ये प्राप्त हो गया क्या हो गया रेडियन में प्राप्त हो गया रेडियन में व्यक्त करना था तीनों की दूरी को तीनों अगर सीपी अधिक निकट होगा तो अल्फ़ा बीटा छोटा हो जाएगा इसी के लिए इसको रेडियन व्यक्त कर दिए अब हम यही तीनों के मान को यहाँ पुट कर देंगे अब क्या बोल रहे हैं ना ये लास्ट स्टेप है कि अल्फ़ा बीटा और ठिठा का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर जो हमारा समीकरण यहाँ पर सेकेंड आया था यहाँ पर क्या है अल्फा ठिटा है बीटा है ठीठा है अल्फा है अल्फा बीटा ठीठा तीनों है एक दो बार भी है तो तीनों के मान को हम इसमें पुट कर देंगे तो हम अगर पुट कर देंगे मान को तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा क्या बन जाएगा म्यू टू इंटू एच माइनस आर माइनस ए माइनस एच माइनस भी बराबर म्यू वन एच माइनस आर बराबर बराबर नहीं माइनस एच माइनस यू एच माइनस आर नीचे वही रहेगा स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एच बटे भी बराबर हो जाएगा म्यू वन हो जाएगा एच माइनस एच बटे माइनस आर हो जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और एच बटे यू हो जाएगा अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों में एच कॉमन है इसमें भी एच कॉमन है तो बाहर दोनों के एच को निकालेंगे और एच को एच को कैंसिल कर देंगे अब हम क्या करेंगे म्यूटू से इसमें गुना करेंगे एक बार इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस के म्यू टू बट्टे आर प्लस हो जाएगा म्यू टू बट्टे भी अब म्यू वन से इसमें गुना करेंगे तो माइनस के म्यू वन बट्टे आर और इसमें गुना करेंगे तो म्यू वन बट्टे यू ये हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे इसको μ2 बटे भी को इसको हम इसी और रखेंगे और μ1 बटे यू को इसको हम इस तरफ ले किया देंगे इसको μ1 बटे आर को इस तरफ रखेंगे और माइनस म्यूटू बटे आर को इस तरफ ले किया देंगे तो जो हमारा फाइनली प्राप्त होगा μ2 बटे भी माइनस म्यूवन बट्टे यू बराबर म्यूटू माइनस म्यून आर अब ये जो था ना ये इसमें थोड़ा सा अच्छा भीन है क्या भीन है कि यहाँ पर दिया हुआ है म्यूटू बट्टे भी माइनस आर म्यूटू बटे भी माइनस म्यू वन बटे यू है तो और क्वेश्चन में था उल्टा दिया हुआ म्यू टू बटे भी बटे यहाँ पर दिया हुआ था म्यू टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको याद करना है म्यू टू बटे यू माइनस यू प्लस म्यू टू बटे भी इसको सिर्फ इस तरफ और इस तरफ कर दिया जो वहाँ पर हमने गुना किया था वही दिक्कत है और कुछ नहीं वो भी सही है और ये भी सही है जो हमने यहाँ पर गुना किया है यहाँ पर इसमें थोड़ा सा फर्क है इसको ऊपर नीचे करके गुना कर दिया और यहाँ पर हमने सीधा सीधी गुना कर दिया तो आपका ये भी सही है तो क्वेश्चन नंबर उत्तल के लिए अगर सघन माध्यम से विरल भी, माध्यम से अगर सघन माध्यम से जाता है तो उसका व्यंजक क्या होगा अब म्यू टू म्यू वन वी यू आर क्या है उसको हमने लिख दिया अगर आप इसको लिख देते हो तो आपको और अच्छे से नंबर मिलेगा हमने लिख दिया कि म्यू टू जो है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है म्यूवन है वो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है भी है वो प्रतिबिंब की दूरी है U है जो वस्तु की दूरी है और R है वो त्रिज्या है इसमें इस, इस फिगर में जो भी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर पंद्रह था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पंद्रह इसका जो सोल्यूशन वो चार पेज में हुआ कितने पेज में हुआ चार पेज में हुआ एक क्वेश्चन है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी को लिखना था और तल गोलाकार अपवर्तक सतह पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करना जिसमें क्या था μ2 बड़ा है μ1 से ये था हमारा इसका आंसर हो गया अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर 15 हो गया इसलिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पूर्ण रूप से सॉल्यूशन हो गया अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सोलह को देखते हैं इसलिए हमने इसको पार्ट टू में बनाया था क्योंकि भाई बहुत लंबा है यही वीडियो एक घंटा में आपको पूर्ण रूप से चला जाएगा सोलह नंबर क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन है कि फ्रिंज के दो सूची प्रयोग वाई डी एस ई में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है यह था एक क्वेश्चन व्यंजक ब्या, प्राप्त करें और दूसरा बोला है कि यदि पूरे उपकरण को पूरी तरह से अपवर्तनांक म्यू के तरल में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोल रहा है कि अगर फ्रिंज की चौड़ाई मान लीजिए कोई भी ज्ञात हो या कुछ भी ज्ञात हो गया ये और लंबा डेरिवेशन है फ्रिंज की चौड़ाई हम ज्ञात कर लिए और अगर हम पूरे फ्रिंज को किसी चीज़ के तरल म्यूवन नाम के तरल में अगर डुबा दें तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखना है तो उसको हम चलिए हम देखते हैं उसको हम ये सेकेंड है पहले हम क्या करते हैं यंग की दो सूची प्रयोग वाई डी एस ई e में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करते हैं यहाँ पर हमारा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक है कि ये एक पर्दा है ये क्या है एक पर्दा है एम एन नाम का पर्दा है इसमें एस वन और एस टू बीच में एस है इसको माना है एस वन से लेकर के एस टू के बीच की दूरी डी है एस वन से एस एस वन से एस के बीच की दूरी डी टू है और अगर डी यहाँ पर है डी बाई टू प्लस डी बाई टू अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा टू डी बटे टू कट जाएगा तो कितना आएगा डी तो वही डी है और जब इसको आधा आधा बांटते हैं तो डी वाई डी बाई टू है यही है चीज़ है और यहाँ पर देखना है ओ से लेकर के पी के बीच की दूरी एक्स है और यहाँ पर पी पॉइंट है ओ है ओ है हमने माना है ओ वन है यहाँ पर ओ टू है ये सारा चीज़ माना है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है देखिए यहाँ पर वो भी देखना है कि भाई कौन सा डी है ये छोटा डी है दूरी और यह बड़ा डी है से लेकर के यहाँ पर्दा तक के बीच की दूरी क्या है बड़ा डी है अब आपको समझ में नहीं आया कि पर्दा क्या है यस क्या है तो जो हमने फिगर बनाया उसको हम लिखे हैं अब उसको देखो तो क्वेश्चन था फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है तो बोल रहा है क्वेश्चन में जो हमने लिखा था उसको हम बताते हैं कि हमने क्या लिखा कि माना कि एस वन तथा एस टू प्रकाश के दो संबंध स्रोत है बोल रहा है कि जो एस है भाई जो एस और एस है ये प्रकाश के संबंध स्रोत है ये दोनों प्रकाश का स्रोत है यहाँ से प्रकाश निकल रही है ये देखिए इस तरह से निकल कर जा रही है जो एसवन एस टू है क्या मेरे को प्राप्त हो गया कि जो एसवन एस टू प्रकाश का स्रोत है अब बोल रहा है कि जिन्हें किन्हीं संकीर्ण एक तथा एक वर्णी प्राथमिक स्रोत एस के दो प्रतिबिंबों के रूप में प्राप्त किया गया है अब इसमें जो एस है ना उसके प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर एस है इसके दोनों संकीर्ण प्रतिबिंब के रूप में दोनों को प्राप्त किया गया ये दोनों स्रोत को एसवन और एस टू को क्या क्या संकीर्ण या एक वर्ण्य प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त किया गया है अब बोला है कि जो S1 तथा एस टू है वो S1 तथा एस टू से निकलने वाली तरंगों अध्यारोपण के कारण बनी व्यक्तिकरण फ्रिंजों को क्या बोला है कि बनी व्यक्तिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए S1 एस, एस टू के समांतर तथा इसमें कुछ ही दूरी पर पर्दा एम रखा गया है बोल रहा है कि जो एसवन है एसवन और एस टू है से निकलने वाली तरंगे जो तरंगे निकल रही हैं वो अध्यारोपण के कारण बनी व्यक्तिकरण फ्रिंजों से प्राप्त करने के लिए एसवन और एस टू के समांतर तथा इसमें कुछ ही दूरी पर, पर पर्दा एम एन रखा गया है जो एसवन और एस टू है इससे जो प्रकाश के निकल रहा है, इसके प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए एक पर्दा हमने रखा है वो पर्दा का नाम क्या है एम और एन है क्या है पर्दा का नाम एम और एन है कुछ ही दूरी पर रखा है वो भी बोल रहा है अब क्या बोला है कि पर्दा ने रखा एम एन है मान लिया ओ एस जीरो का से पर्दे की लंबाई डी बराबर एस एस संबंध बोला कि मान लिया जीरो यानी कि ओ है जो प्रकाश स्रोत से पर्दे की लंबाई डी बराबर एस वन और एस टू कला संबंध स्रोत के बीच की दूरी अल्फा एक वर्णी प्रकाश की तरंग धैर्य है क्या यहाँ पर बोल रहा है कि जो डी बराबर एस वन एस टू मानेंगे और अल्फा बराबर क्या मानेंगे ये एक वर्णी प्रकाश का तिरंग धैर्य है अब हम चलेंगे इसके सूत्र से ये वही चीज था ये वही चीज़ है यहाँ से यहाँ तक है ना अब कोई बच्चा इसको याद करेंगे कोई स्टूडेंट तो भाई इसको याद नहीं करना है मैं बता रहा इसको याद नहीं करना है जो भी सिर्फ आप फिगर को समझ लीजिए और ये वही चीज़ है मान लिया कि जो हमने फिगर में बनाया भाई हमने जो फिगर में बनाया है उसी को हमने आप लिख दिया कि भाई हमने फिगर में ये चीज़ बनाया है इसको ये चीज़ मान लिया है इसको ये चीज़ मान लिया है उसको वो चीज़ मान लिया है इसी को सिर्फ लिख देना है क्योंकि अगर परीक्षक जांच करे उसको पता चले कि हाँ बच्चा यहाँ पर एस माना है कोई यहाँ पर एस को और कुछ मान सकते हैं आपका मानने को पर है यहाँ पर ओ को और कोई कुछ मान सकते हैं लेकिन जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा जो डेरिवेशन बनेगा वो अंत में वही बनेगा मुख्य रूप से यही एस और एस टू और, और एस वन और एस टू माना जाता है इधर ओ और ओ टू माना जाता है अब हम चलेंगे सूत्र से बोल रहा है कि अतः पंथार बराबर क्या होता है कि एस टू पी माइनस एस वन पी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और बोला कि त्रिभुज एस वन पी ओ वन से त्रिभुज क्या है एस वन पी ओ वन त्रिभुज एस वन पी है त्रिभुज एस वन पी ओ वन यानी कि त्रिभुज इससे किससे त्रिभुज इससे मैं यहाँ पर इस पर डबल हैंड राइटिंग आपको दिख रहा होगा इस त्रिभुज से बोल रहा है यहाँ पर एस वन बोल रहा है यहाँ पर पी बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है O1 बोल रहा है ये तीनों इस तीनों के बीच त्रिभुज बना दिया तो त्रिभुज एस वन यहाँ पर आ गया त्रिभुज एस वन पी वन से क्या होगा एस वन पी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एस वन का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से एस वन का स्क्वायर प्लस में जाएगा ओ वन पी टू का स्क्वायर अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एस वन ओ वन का स्क्वायर एस वन ओ वन अब हम देखें यहाँ पर कि जो एस वन है एस वन है जो एस वन है और ओ वन है ये दोनों के बीच की दूरी क्या है डी है क्या है बीच की दूरी डी है तो यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि जो हमने माना है यहाँ पर एस वन ओवन का स्क्वायर इसको हमने क्या मान लिया डी प्लस एक्स का सॉरी डी का हॉल स्क्वायर मान लिया जो नीचे था दूरी बड़ा डी उसका स्क्वायर ले लिया अब ओवन पी टू है सॉरी ओवन और पी वन का ओवन पी का स्क्वायर है इसको हमने एक्स माइनस डी बाई टू का हॉल स्क्वायर माना है? क्यों माना तो यहाँ पर देखेंगे ओवन और पी यहाँ पर है ओवन ओवन और पी है यहाँ पर क्या है एक्स है और यहाँ पर क्या है डी बाई टू है तो इसको हमने क्या कर दिया x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर से इसको इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर इसको यहाँ पर बना दिया तो ये कुछ इस तरह से बन गया डी स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अब हम क्या करेंगे यहाँ से डी को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा वन प्लस डी को अगर बाहर निकालेंगे तो डी हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा और यहाँ पर दोनों से कॉमन ले लिए और इसमें बड़ा डी है ही नहीं तो निकालेंगे तो क्या जाएगा बड़ा डी भागा में चला जाता है ये आपको पता ही होगा तो यहाँ पर भागा में चला गया बड़ा डी और ऊपर क्या बच गया एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर क्या बच गया एक्स माइनस डी का डी बाई टू का होल स्क्वायर अतः एस वन पी बराबर वन प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का और बटे में डी का होल स्क्वायर और इसके भी होल स्क्वायर जब इधर डी ऊपर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा इसका एक बटे दो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर डी का डी रहेगा वन प्लस वन बाई टू को अगर हम अंदर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर वन बाई टू यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम सेम को सेम यहाँ पर उतार दें एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे डी स्क्वायर अगर इसको हम और सोल्यूशन करेंगे तो मेरा प्राप्त हो जाता है फाइनली में कि डी प्लस प्लस इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो एक कम दो और दो कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे लिए कि एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे टू डी ये एक मेरा बच गया एक त्रिभुज के लिए क्या करेंगे एक त्रिभुज के लिए एस वन और एस एस पी ओ वन के लिए ये गया इसको हम आगे पुट करेंगे अब उसी तरह से हम नेक्स्ट क्या करेंगे त्रिभुज लेंगे एस टू पी ओ टू एस टू पी ओ टू इसके लिए एक कदर त्रिभुज है बोला है कि एस टू पी ओ टू एस टू एस टू पी ओ टू एस टू पी ओ टू ये त्रिभुज है भाई कौन सा त्रिभुज है ये त्रिभुज एस टू पी ओ टू इस त्रिभुज के लिए और उस समय बताया था इस त्रिभुज के लिए छोटा सा त्रिभुज के लिए यह बोला है बड़ा सा त्रिभुज के लिए अब इस पर हम क्या पुट करेंगे इस पर उसी तरह से पुट कर देंगे कि एस टू पी ओ टू में क्या हो जाएगा पैथा का स्पर में लगाएंगे तो एस वन एस टू पी का स्क्वायर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस टू ओ टू का स्क्वायर प्लस ओ टू पी टू का स्क्वायर ए टू एस टू ओ टू एस टू ओ टू यहाँ पर देखेंगे फिगर में यहाँ पर एस टू ओ टू इसके बीच की दूरी कितनी है डी है कितने बीच की दूरी डी है दोनों के लिए डी है तो यहाँ पर हम उसी तरह से लिख देंगे डी का स्क्वायर हमने डायरेक्ट डी को बाहर निकाल दिया और वन मान के यहाँ पर डी से भाग दे दिया उसी तरह से पिछले वाली की तरह से इसमें भी हो जाएगा इसमें भी करेंगे तो उसी तरह से डी बाहर आएगा और अंदर जाएगा यहाँ पर बाहर जाएगा और कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा फाइनली कि डी प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे टू डी अब देखिए यहाँ पर प्लस है और इसमें क्या था इसमें माइनस था क्योंकि हमने यहाँ पर घटाया था इसको तो ये था डी प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर टू डी माइनस में था और इसमें क्या हुआ मेरा मेरा कि यहाँ पर हमने इसको प्लस मान रखा था यहाँ पर है कि डी प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे टू डी अब आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर प्लस था और उसमें माइनस कैसे हो गया तो इसमें माइनस कैसे हो गया था इसमें माइनस यहाँ पर कम ने लिया था तो वहाँ लिया था इसलिए ना भाई कि जो ये दूरी है ना इसको यहाँ तक था यहाँ से यहाँ तक था अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक है और यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना था तो इस एक में हम डी वाई को घटा दिए थे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेकेंड के लिए एक है और हमको यहाँ तक निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें डी वाई जोड़ देंगे एक्स में तभी ना हमको इतना बड़ा निकलेगा और हमको इतना बड़ा में हमको इतना ही निकालना है तो हम इसमें से घटा देंगे डी दे दे बाई टू को तो फर्स्ट वाला में घटाए थे हमको छोटा निकालना था तो और सेकेंड वाला में जोड़ दिए तो फर्स्ट वाला के लिए ये प्राप्त हो गया ये डी प्लस एक्स माइनस डी बाई टू डी के होल स्क्वायर और सेकेंड वाले के प्राप्त हुआ सेकेंड वाले के लिए डी प्लस एक्स प्लस डी बाई टू के लिए होल स्क्वायर टू डी अब बोल रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में एस वन पी और एस टू पी का मान रखने पर अब इक्वेशन फर्स्ट भाई कहाँ हमने माना था तो इक्वेशन फर्स्ट देखे तो हमने यहाँ माना था कि एस टू पी माइनस एस वन पी अब चलिए इसी में हम क्या करेंगे उसको पुट कर देंगे तो जब हम पुट कर दिए तो एस टू पी के लिए पुट किए और माइनस इसके लिए पुट किए अब हम क्या कर रहे हैं ना कि ये दोनों को घटा रहे हैं तो यहाँ पर वन बटे टू डी को बाहर निकालें अब यहाँ पर एक्स माइनस टू डी को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर हो गया मेरा क्या कि x माइनस एक्स प्लस डी बाई टू एक्स प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर माइनस में इसका x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस में जब हम इसका सोलूशन करेंगे तो कुछ इतना प्राप्त होगा कि वन बाई टू डी इसमें गुना करेंगे तो मेरा फोर एक्स बट इन टू टू डी टू से टू से फोर कटेगा टू बन में और टू से टू कैंसिल तो प्राप्त हो जाएगा मेरे पर यहाँ पर ये यह एक्स बच जाएगा और ये डी बच जाएगा बटे में नीचे क्या बच जाएगा डी इतना या एक्स डी बटे बड़ा डी अभी नहीं हुआ है अभी इसका डेरिवेशन हुआ भी नहीं है अब हम क्या करेंगे इसको रचनात्मक मानेंगे कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए फिर की चौड़ाई रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए तो हम यहाँ क्या करेंगे ना एक्स डी बटे डी बराबर हम सेकेंड टू एन डी बटे टू मानेंगे बराबर ए एन डी और एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा एन डी डी बटे डी एन डी डी बटे डी यानी एन छोटा डी बड़ा डी बटे छोटा डी अब हम क्या मानेंगे यहाँ पर एन किसे है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई अगर एन बराबर वन अगर आएगा तो हम उसको एक्स वन बराबर अल्फा डी दी। बाई डी अल्फ़ा बड़ा डी दी। बाई छोटा डी मानेंगे अगर एन बराबर टू आ जाएगा तो हम एक्स टू क्या मानेंगे टू अल्फा डी बाई डी यानी कि जितना आएगा हम उतना तो से गुना करके अल्फा डी बाई डी में गुना कर देंगे अगर एक्स थ्री बराबर आएगा तो एक्स थ्री बराबर मानेंगे एन थ्री बराबर अगर थ्री आएगा तो एक्स थ्री बराबर मानेंगे थ्री अल्फा डी बाई डी अगर एक्स एन आएगा तो एन अल्फ़ा डी बाई डी मतलब उसमें जितना है का उतना से गुना करना है तो हम क्या बोलेंगे ना कि एन प्लस वन में दीप्त फ्रिंज के लिए एन प्लस वन में दीप्त फ्रिंज के लिए तो एन एक्स एन प्लस एन एक्स एन प्लस क्या वन है तो हम बराबर में एक्स एन प्लस वन मानेंगे और अल्फा यहाँ पर एक्स एन है वन है तो वन के लिए क्या करेंगे हम अल्फा डी बाई डी से गुना कर देंगे अब बोला अगला बोला आगे उसके आगे कि फ्रिंज की चौड़ाई बराबर दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को तो फ्रिंज की चौड़ाई एक्सेन प्लस वन आ गया और माइनस के दोनों के बीच की दूरी एक्सेन आ गया अब एन प्लस वन अल्फा लेमडा सॉरी हमने शुरू से अल्फा क्या बोल रखा है लेमडा होगा लेमडा लेमडा डी बटे डी हो जाएगा माइनस में एन लेमडा डी बटे डी हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको उसी तरह तो पुट कर देंगे जो एन लेमडा डी बटे डी है इसको हम पी मान लेंगे क्या मान लेंगे पी तो अब हमारा यहाँ पर फाइनल आएगा कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए वो किस व्यक्तिकरण के लिए था यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ था रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए अब मानेंगे हम विनाशी व्यक्तिकरण के लिए इसमें भी उसी तरह से पुट करेंगे एस टू पी माइनस एस वन पी एक्स डी बराबर सेकेंड वन प्लस डी बाई टू इसको आप एक बार कापी पर उतार लेना और फिर से अपने से समझ समझ कर एक बार और इसका सोलूशन करना दो बार तीन बार करना एकदम ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है सिर्फ ए बी सी डी इधर उधर करना है और कुछ नहीं है तो आपको थोड़ा सा समझ कर करना है अब हम इसको सोलूसन करेंगे तो एक्स बराबर सेकेंड वन बाई अल्फ लेमडा डी बाई टू डी एन बराबर जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स जीरो यानी कि अल्फा डी बाई टू डी और एक बराबर वन आएगा तो थ्री आ जाएगा यहाँ पर दूसरा आएगा कि अगर बिनासी में अगर एन बराबर वन आएगा तो एक्स बराबर थ्री डी कर देंगे टू आएगा तो फाइव डी कर देंगे इसमें थ्री जो जोड़ देंगे एक्स एन के लिए यहाँ पर आ जाएगा टू एन प्लस अल्फा डी बाई टू डी एक्स एन प्लस वन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू एन प्लस वन वन बाई अल्फ़ा प्लस डी टू डी बहुत बड़ा ये डेरिवेशन है आपका तो यहाँ पर सेकेंड यानी कि टू एन प्लस थ्री अल्फा डी बाई टू डी आ जाएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई फाइनल क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स एन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अब इसको हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड टू एन प्लस थ्री लेमडा डी बाई टू डी माइनस टू एन प्लस वन लेमडा डी बाई टू डी ये दोनों को घटाएंगे तो मेरा फाइनल आएगा और लेमडा डी बाई छोटा डी माइनस बिट्टा ये जो आएगा यही हमारा क्या हुआ यही हमारा इस प्रूवड हो गया क्या हो गया भाई प्रूव्ड हो गया यही हमारा ज्ञात करना था इसमें कुछ है नहीं बट ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है तो ये था हमारा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक एक पेज में गया दो पेज में तीन पेज और चार पेज और पांच पेज पांच पेज में हमारा गया क्वेश्चन चार लाइन का है सॉल्यूशन पाँच पेज में है ये था हमारा यंग दो सूची के लिए वाई डी में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक और बोल रहा था सेकंड में कि यदि पूरे उपकरण को पूरी तरह से अपवर्तनांक म्यूवन में म्यूगन तरल में डुबा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी कि जो प्राप्त हुआ है फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पर देखेंगे फ्रिंज की जो चौड़ाई प्राप्त हुआ मेरे पास अल्फा अल, लेमडा डी बाई डी माइनस बीटा अगर इसको हम इसको अगर हम कोई तरल में डुबा दें इसको अगर हम कोई तरल में डुबा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो बोल रहा है कि जब किस जब किसी वाई डी एस ई ऑपरेटर्स को किसी तरल बिलियन में म्यूवन नाम के तरल में डुबाया जाता है तो उसकी चौड़ाई घट जाती है जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी जो भी फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी घट जाएगी अगर कभी भी फ्रिज की चौड़ाई को किसी तरल में डुबाएंगे म्यूवन नाम की तरल में तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी घट जाएगी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सोलह अब चलते हैं सत्रह नंबर में सत्रह में क्या बोला है दृष्टकारी क्या है दृष्टकारी क्या है पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ आरेख बनाए पूर्ण तरंग दृष्टकारी के निवेश तथा निर्गत इनपुट आउटपुट वेब फॉर्म दिखाएं और इनकी कार्य प्रणाली को समझाएं देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिष्टकारी दिष्ट दिष्टकारी मतलब होता है रेक्टिफायर ये यंत्र है डिवाइस है दिष्टकारी क्या होता है इसको समझाना है पहले चलिए देखते हैं दिष्टकारी होता है रेक्टिफायर जैसे आपके घर में होता है इन्वर्टर उसी तरह से एक रेक्टिफायर भी है दिष्टकारी को हम कहते हैं रेक्टिफायर दिष्टकारी बहुत कम आता है हमेशा आता है रेक्टिफायर उसको परिभाषित करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे पहले दिष्टकारी रेक्टिफायर इसको क्या होता है तो दिष्टकारी क्या है वह प्रणाली जो प्रत्यावर्ती धारा ए को दृष्टधारा डी डीसी में बदल देती है दिष्टकारी कहलाती का है आपके घर में यहाँ पर देखते हैं अगर आपके घर में ए आता है ए तो उसको डी में बदलना है तो हम क्या करेंगे रिक्टीफायर दिष्टकारी का प्रयोग करेंगे ये हमेशा सर के घर में नहीं होता है लेकिन इन्वर्टर होता है अगर आपके घर बैटरी चार्ज यानी कि सोलर पैनल है उसको अगर आपको ए में बदलना है तो आप किसका उपयोग करते हो भाई इन्वर्टर का उपयोग करते हो ए सी को ए में बदलने के लिए जो बैटरी सोलर पैनल का लाइट होता है वो डीसी होता है उसको एसी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं हम इन्वर्टर का उपयोग करते हैं किसका उपयोग करते हैं इन्वर्टर का आप हमेशा देख बहुत के घरों में सभी घरों में मेनली इन्वर्टर होता ही है जो ए डी को एसी में बदलता है लेकिन एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है तो ये सबके घरों में मेनली नहीं होता है हमेशा तो ये होता है डिस्टकारी रिएक्टिफायर रिये जो एसी को डीसी में बदल दे जो क्या करता हो जो एसी को डीसी में बदल दे उसको हम रिएक्टिफायर कहते हैं और जो डीसी को एसी में बदल दे उसको हम इन्वर्टर कहते हैं तो यहाँ पर इसको मैं आपको समझने के लिए इन्वर्टर का यहाँ पर यूज़ कर दिया इन्वर्टर का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर हमेशा बोल रहा है तो दिष्टकारी होता है जो ए को डी सी में बदलता है यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा को वह प्रणाली जो प्रत्यावर्ती धारा ए को दिष्ट धारा डी में बदल देता है उसको दिष्टकारी कहते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ आरेख बनाए पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निवेश तथा निर्गत इनपुट आउटपुट के वेब को दिखाए यानी कि दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं क्या होते हैं दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं एक होता है पूर्ण वेव दिष्टकारी एक होता है हाफ वेव दिष्टकारी तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमको पूर्ण व्यवदिष्टकारी के लिए पूर्ण व्यवदृष्टकारी के लिए एक पूर्ण दृष्टिकारी निवेश यानी कि ए जा रहा है और निर्गत इनपुट इनपुट ए जा रहा है और निकाल कर रहा है डी सी निकाल रहे हैं हम ए डाल रहे हैं और निकाल कर रहा है डी सी निकाल रहे हैं दृष्टिकारी इसी को हम देखेंगे यहाँ पर कि ये एक फिगर है इसमें क्या है इसको देखते हैं ये फिगर है एक इधर से यहाँ पर हमने ए डाला ये एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ पी एन संधि और जिसको हमने मान रखा है यहाँ पर भी पी एन संधि इसको हमने डी टू मान लिया डायोड को इसको हमने डी वन मान लिया यहाँ पर लगे हुए हैं ऐसे 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 जिसका एक पीएन संधि डायोड है और यहाँ पर भी क्या है पी एन संधि डायोड है और यहाँ पर प्रतिरोध है जो आर वन नाम का आर एल नाम का प्रतिरोध है इसको हम पी एन संधि डायोड मान लिए अब हम क्या करें इसको फिगर से देखते हैं इस तरह से एक वेब फॉर्म है बोला है कि वेब फॉर्म में दिखाएं वेब फॉर्म कैसे होता है तो यहाँ पर इसको हमने डी वन मान लिया जो डी वन है इस डी वन को इस डी वन को हमने यहाँ पर फिगर बना दिया है और जो डी टू है उसको हमने यहाँ पर फिगर बनाया ये डी को हमने यहाँ पर दिखाया अब क्या है आपको याद रखना है यहाँ क्या है कि यह वेब फॉर्म है एक बार ऊपर है एक बार नीचे जाता है अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो हम क्या करते हैं जिसको हाफ फॉरवर्ड कहते हैं अगर एक बार जाए जिसको फुल कितना बार कहते हैं फुल फॉरवर्ड एक फॉरवर्ड एक बार नीचे और एक बार ऊपर होता है तब इसको कहते हैं फुल फॉरवर्ड अब बोल रहा है कि जब यहाँ पर आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं आप समझिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ यहाँ पर एक और बात कि जो पीएन है ना पीएन वो पी और ये हुआ यहाँ माइनस यह होता है ये प्लस होता है ये माइनस होता है और ये प्लस होता है तो ये जो प्लस है वो प्लस जुट रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर गया यहाँ पर ऊपर गया तो रूपर गया और यह ये प्लस ये माइनस से जुटा क्या हो गया यह प्लस माइनस से जुटा यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहां पर प्लस है और यहाँ पर क्या प्लस पर माइनस है तो यहां पर उल्टा लिख दिया हमने शायद लग रहा है कि इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस इधर होता है प्लस इधर होता है माइनस नहीं नहीं हाँ इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है इधर माइनस इधर प्लस होता है पी की तरफ माइनस होता है एन की तरफ प्लस होता है पी पी के तरफ माइनस होता है एन की तरफ प्लस होता है अब जब ये ऊपर है प्लस है जब ये प्लस और पी एन के प्लस के प्लस ये पी के प्लस ये फॉरवर्ड प्लस है और एन के तरफ माइनस है पी के तरफ तो जब जब फॉरवर्ड यानी कि इस वेव में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा जब ये जुटेगा तो इधर करंट प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरफ माइनस अगर अंगाड़ी जुटेगा अगर इंगाड़ी माइनस जुटेगा और इधर प्लस इधर माइनस होगा इधर माइनस है और पी भी माइनस है तो माइनस माइनस जुटेगा वहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर करंट प्रवाह नहीं होगा तो इसमें क्या होता है इसमें काउंटडाउन होता है यानी कि क्या होता है काउंटडाउन एक बार इधर चलता है 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 इसमें क्या होता है समय के अनुरूप इधर अगर प्लस माइनस से जुटेगा तो क्या करंट प्रवाहित हो जाएगा अगर माइनस माइनस जुटेगा इधर ये भी माइनस है नीचे गया यानी नीचे है ये डी टू के नीचे है और ये ये भी माइनस है तो जब ये क्या होगा प्लस यानी ऊपर वाला और ये माइनस के साथ जुटेगा तो करंट फ्लो होने लगा करंट का कर जब फ्लो होने लगेगा और जब माइनस माइनस जुटेगा तो करंट नहीं बहेगा फिर इसमें वैसे होगा फिर इस डी टू में ऊपर जाएगा तो डी टू में प्लस और माइनस जुटेगा तो इधर करंट प्रवाहित होने लगेगा तो फिर जब इधर करण प्रभावित होने लगेगा एक बार ऊपर जाके तो ऊपर वाला में रिवर्स हो जाएगा यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर इधर वाला प्लस माइनस से जुटेगा तो इधर वाला माइनस माइनस मांग से जुटेगा अगर इधर वाला डी वाला माइनस प्लस जुटेगा तो ऊपर वाला माइनस से जुटेगा इसका मतलब होता है कि अगर एक बार इधर क्रण प्रभावित होता है तो इधर नहीं प्रभावित होगा अगर इधर प्रवाहित होता है तो इधर नहीं प्रभावित होगा यानी कि पारा पारे एक बार तो इधर एक बार इधर एक बार इधर प्रभावित होता है फिर इधर फिर इधर फिर इधर यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहती क्या होती है प्रक्रिया चलती रहती है ऊपर नीचे और ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर वैसे वैसे होती रहती है एक बार इधर प्रवाहित होगा तो इधर नहीं प्रवाहित होगा नीचे वाला में अगर इधर ऊपर वाला में नहीं प्रवाहित होगा तो नीचे वाला में प्रवाहित होगा ऊपर वाला में प्रवाहित होगा ऊपर वाला जो फॉरवर्ड है वो प्रवाहित हो रहा है और नीचे वाला वो नहीं प्रवाहित हो रहा है फिर इसमें नहीं जाएगा तो इसमें चला जाएगा इसमें नहीं करंट जाएगा तो इसमें चला जाएगा यानी कि ये प्रक्रिया बढ़ती रहती है तो जो हमारा फाइनल ग्राफ होता है वो इस तरह से आ जाता है हर बार ऊपर रहता है ऊपर रहता है हर बार ऊपर रहता है तो यही होता है अगर एक तरफ प्रवाहित होगा एक तरफ प्रवाहित होगा तो एक तरफ नहीं होगा अगर इस तरफ प्रवाहित होगा तो इस तरफ नहीं होगा यही है हमारा क्या है पूर्ण द्वेवकारी दृष्टकारी का फिगर है क्या है फिगर है तो क्वेश्चन नंबर यही था इनपुट और आउटपुट को समझाना है तो इनपुट और आउटपुट वैसे हम इसमें अगर ए देंगे तो फाइनल क्या मिलेगा हमारा इस तरह से डी मिल जाएगा क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा यही होता है हमारा दिष्टकारी इेक्टिफायर का पूर्ण वेव दिष्टकारी का जो जिस जिस तरह से काम करता है वही होता है अब बोला है क्वेश्चन नंबर अठारह में कि सत्यापित करें क्वेश्चन नंबर अठारह सत्यापित करें कि आधे चक्र में ए का आध्या औसत मान टू आई नोट बटे पाई है आधे चक्र में क्या बोला है कि सत्यापित करें कि आधे चक्र में ए का औसत मान यानी ए यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान टू आई नोट बटे पाई है इसी को अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने क्या बताया इसका पूर्ण पूर्णवेब कितना माना जाता है पूर्ण पूर्णवेब कि जब एक एक बार ऊपर होगा और एक बार नीचे होगा तो इसको हम पूर्ण वेब मानते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को यहाँ से यहाँ होता है इसको हम टी मानते हैं पूर्ण पूर्णवेब को और अगर हाफ़ वेब मानेंगे तो इसको टी बाई टू मानेंगे जो कि हमने इसको और छोटा करते हैं थोड़ा सा जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया यहाँ आता है टी बाई टू जो हाफ है और एक बार फुल वेब कब होता है जब एक बार ऊपर एक बार नीचे होता है और इसको हम टी मानेंगे तो कुल cool साइकिल इसमें क्या हो जाएगा हम टाइम लिमिट लेंगे कुल cool साइकिल का तो एक बार कुल साइकिल कितना होता है साइकिल एक बार ऊपर होता है एक बार नीचे होता है तो उसको क्या कहते हैं हम टाइम का कुल साइकिल यहाँ टाइम लिमिट लेंगे अगर हाफ लिमिट लेना होगा तो टी बाई टू लेंगे हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए फुल साइकिल के लिए टाइम लेना है तो हम क्या लेंगे टी लेंगे अब आपको मालूम होगा कि ए सी के लिए आय का मान कितना होता है औसत मान याद करना है कि कितना होता है कि सत्यापित करें कि आधे चक्र में जब अगर बोला कि आधे चक्र में अगर ए सी यहाँ से यहाँ आता है सिर्फ यहाँ से यहाँ आता है आधे चक्र हाफ साइकिल में पूरा नहीं हो पाता है उस समय ए सी का औसत मान टू आई नोट बटे पाई होता है कि नहीं तो आधे चक्र के लिए तो आधे चक्र के लिए तो हमने टी का मान कितना लेंगे हम तो टी बाई टू लेंगे तो औसत मान होता है आई बराबर आई नोट साइन ओ मेगा डी और हम क्या करेंगे आई एवरेज निकालेंगे इसका होता है कि इंटीग्रेशन आई डी टी बटे इंटीग्रेशन डी टी होता है आई का वैल्यू यहाँ पर क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी अब टी का वैल्यू को हम कितना लेंगे टी बाई टू लेंगे क्यों लेंगे टी बाई टू क्योंकि बोला है हाफ साइकिल के लिए एक आधे चक्र का हाफ साइकिल के लिए तो टी बाई टू लेंगे अब हम क्या करेंगे आई मान यहाँ पर दिया हुआ था ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है आई मान हमारा हमारा आई मान यहाँ पर दिया हुआ है I आई मान आई नॉट साइन ओमेगा टी अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे आई बटे आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी और नीचे डी टी लिख देंगे लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट कितना है ज़ीरो से टी बाई टू तक कितना है जीरो से टी बाई टू तक और नीचे भी जीरो से टी वाई टू तक क्योंकि हाफ साइकिल है और हम क्या करेंगे आई नोट को बाहर निकाल लेंगे और साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का होता है हमारा इंटीग्रेशन माइनस का कॉफ ओमेगा टी और ओमेगा से हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं और डी टी का जाएगा इंटीग्रेशन टी और लिमिट कितना होगा जीरो से टी बाई टू तक और इसका लिमिट भी होगा जीरो से टी वाई टू तक माइनस कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा अब हम क्या करेंगे ना कि माइनस को माइनस को अंदर छोड़ देंगे अभी नीचे वाले ओमेगा को बाहर निकाल लेंगे और उसी तरह से उसको रखेंगे नीचे को हम लिमिट पुट कर देंगे सबसे गाड़ी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट टी की जगह टी बाई टू माइनस जीरो लोअर लिमिट जीरो तो जीरो होगा अब हम क्या करेंगे इसको कोस को बाहर निकाल ली सॉरी आई नोट था ओमेगा को बाहर निकालिए और माइनस कोस था उसको बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बच गया कोस ओमेगा टी और लिमिट है टी बाई टू माइनस जीरो अब नीचे वाला था माइनस में जीरो तो माइनस जीरो हट गया तो नीचे क्या बच गया सिर्फ टी बाई टू अब हम कोस ओमेगा को कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं टू पाई टू पाई टी लिख सकते हैं हम कोस ओमेगा टी को तो कोस टू पाई टी लिख दिए बटे में टाइम था टी बाई टू से ज़ीरो तक और यहाँ पर बाहर में क्या था आई नोट बटे ओमेगा बटे टी बाई टू जिसको हम यहाँ वैसे ही पुट कर दिए कोस टू बाई टी गुने यहाँ पर टी था टी लिख दिए टी टी बाई टू यहाँ पर लिमिट पुट किए टी के जगह पर टी बाई टू माइनस में फिर से पुट क्या किए कोस ओमेगा टी गुने एक बार जीरो पुट करना है टाइम के लिमिट टी के जगह नहीं पुट कर यहाँ पर टी है ना भाई तो उस टी के जगह हम यहाँ पर एक बार टी बाई टू पुट टी बाई टू पुट करेंगे अपर लिमिट और माइनस जीरो को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा कि टी से टी कैंसिल हो जाएगा और दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस पाई कोस फाइव का मतलब क्या होता है कोस एक सौ अस्सी डिग्री अब कोस एक सौ अस्सी डिग्री का मान कितना होता है हमारा माइनस वन होता है तो हम यहाँ पर माइनस वन पुट कर देंगे कोस जीरो डिग्री कोस जीरो डिग्री का मान कितना होता है माइनस वन माइनस वन पुट कर देंगे और यहाँ पर टू था यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास अब यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा अगर यहाँ पर टू टू कट जाएगा तो ये देखो अब हम क्या करेंगे ना आई नॉट बटे ओमेगा आई नॉट बटे ओमेगा माइनस में और टी बाई टू को अगर हम ऊपर ये भी तो ऐसा टी बाई टू था तो टू पर चला जाएगा गुना में जाएगा तो टू बाई टी हो जाएगा और माइनस टू माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट माइ टू इंटू माइनस टू अब माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और क्या यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फोर आई नॉट बटे हम ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई बटे टी गुने टी टी से टी कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया टू बार में तो क्या बच गया टू नोट बटे पाई क्या बच गया टू नोट बटे पाई तो हमें प्राप्त हो गया कि अगर प्रत्यावर्ती धारा में आधे चक्र का मान औसत मान होगा तो होता है टू आई नोट बटे पाई वो हमारा प्रूव्ड हो गया यानी कि जो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो हमें प्राप्त करना है सत्यापित करें कि जो आधे चक्र होगा ए में उसका औसत मान टू आई नोट बटे पाई होगा यानी कि हाफ टाइम के लिए टी वाई टू लिए तो हमारा यही प्राप्त होगा यानी कि यह बात सही है प्रूव्ड है कि जो हमारा प्रूव्ड हो गया जो बोल रहा था कि हाफ साइकिल के लिए होता है टू आई नोट बटे पाई अब चलते हैं अठारह का ही सेकेंड अठारह नंबर क्वेश्चन था ना तो ये अठारह अठारह का ही सेकेंड बोल रहा है कि यह भी सत्यापित करें कि पूरे चक्र के लिए आई का मान शून्य होता है यहाँ पर था एक साइकिल एक साइकिल अगर हमने हाफ़ टाइम के लिए इतना के लिए माना तो टी बाई टू माना और उसका कितना होता है टू आई नोट बटे पाई होता है कितना होता है टू आई नोट बटे पाई अभी तो हमने ज्ञा गया, ज्ञात किया लेकिन बोला है कि हाँ अगर आपने ज्ञात कर दिया तो ये भी ज्ञात कर दीजिए कि हाफ साइकिल के लिए टू टू आई नोट बटे पाई आया तो फुल साइकिल के लिए यानी कि टी टाइम पर कितना आएगा तो इसको भी हम ज्ञात करेंगे उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे ए के लिए होता है आई मान कि यहाँ पर होता है आई नोट साइन ओमेगा मेगा टी इसको भी पुट कर देंगे इसमें सिर्फ क्या करेंगे उसी तरह से बाहर आई नोट निकाल लेंगे यहाँ पर जीरो टी बाई टू रखते थे ऊपर ना टी बाई टू के जगह पर हम क्या करेंगे टी रखेंगे अब उसी तरह से क्या होगा कोस हो जाएगा कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा आई नोट माइनस ओमेगा टी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कोस ओमेगा टी टी से जीरो तक नीचे आ जाएगा टी और अब यहाँ पर इसको हमने वैसे लिख दिया है रेडियन और डिग्री को यहाँ पर ध्यान नहीं देना आई नोट बटे कोस टू पाई बटे टी हो गया तो टी से टी कैंसिल माइनस कोस टू पाई टू पाई गुने जीरो तो ये जीरो हो जाएगा अब यहाँ पर कोस टू पाई हो गया कोस टू पाई यानी कि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा गुने एक सौ अस्सी बट्टे पाए तो यहाँ पर क्या टू पाई टू पाई गुने एक सौ अस्सी बट्टे पाए तो पाई से पाई कैंसिल हो गया से गुना करेंगे अठारह में तो हो जाएगा एक सौ छत्तीस तीन सौ छत्तीस तो यह हमारा प्राप्त हो गया कोस टू पाई का वैल्यू तीन सौ साठ डिग्री अब तीन सौ साठ डिग्री का होता है वैल्यू माइनस प्लस वन होता है कोस में और कोस जीरो का वैल्यू होता है माइनस वन अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया आई नॉट बट्टे यहाँ पर नीचे टी था तो यहाँ पर टी है तो यहाँ पर लिखेंगे आई नोट वन माइनस वन जीरो कैंसिल ये भी नीचे टी है तो यहाँ नीचे टी रखेंगे अब ऊपर सब जीरो हो जाएगा यानी कि सब जीरो जीरो, जीरो गुना भागा होगा तो सब क्या हो जाएगा मेरे पास जीरो हो जाएगा तो फाइनली क्या प्राप्त होगा जीरो यानी कि अगर प्रत्यावर्ती धारा में हाफ़ साइकिल चले कितना चले हाफ़ साइकिल चले तो वहाँ होता है टू आई नोट बटे पाई और अगर फुल साइकिल चल जाए तो होता है वहाँ पर कितना औसत मान होता है जीरो होता है भाई यही क्वेश्चन बोला था हमारा जीरो भी आ गया यानी कि ये दोनों बात क्वेश्चन का सही था कि पूरे चक्र में ए का औसत मान होता है जीरो और हाफ चक्र में ए का मान होता है टू टू आई नोट बटे पाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस पर उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि उन्नीस में भी दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख बनाए जो अंतिम प्रतिबिंब बिंदु पर बनता हो बोल रहा है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी है का स्वच्छ किरण आरेख बनाना है जब अंतिम प्रतिबिंब बिंदु पर बनता हो तो इसको हम चले देखते हैं एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता हो बिंदु पर बनता हो तो इसके लिए हमने फिगर माना है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक बड़ा लेंस है यहाँ पर एक छोटा सा लेंस है यानी कि एक सूक्ष्मदर्शी बना रहे हैं हमने सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो होता है फिगर है वो इसी को बना रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा लेंस है इसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इसको कहते हैं आई पी बड़ा वाला को यानी कि हम बड़े वाले लेंस भी हम ऐसे आँख लगा कर देखते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं इसको से आँख लगा कर यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं आँख लगा कर यहाँ पर देखते हैं कि और यहाँ पर वस्तु होता है वस्तु रियल में रखा होता है छोटे लेंस के ऑब्जेक्टिव के फोकस के नज़दीक पर एक वस्तु ए बी रख दिए क्या रख दिए ए बी रख दिए तो एक प्रकाश किरण उसके ऊपर से निकलती है जो अपवर्तन के बाद ऐसे यहाँ फोकस होकर गुजर जाती है और एक प्रकाश किरण सेंटर से जाती है यहाँ टकराती है तो इसका उल्टा बनता है यहाँ पर इमेज क्या बनता है छोटे वाले लेंस के लिए इसका यहाँ पर इमेज उल्टा बनता है ए एस बी डेस बन गया अब क्या हो गया ए बी था तो ए एस बी डेस अब छोटे वाले लेंस के लिए ए बी ये वस्तु है और ये क्या है ये इसका प्रतिबिंब है लेकिन बड़े वाले लेंस के लिए ये वस्तु बन जाता है और इसका प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब इससे किरण इस तरह से निकलेगी बाहर पास होगी एक ऐसे जाकर कैसे पास हो जाएगी यहाँ से एक केंद्र से जाएगी और एक सीधे जाकर कैसे अब पतन के बाद दोनों ऐसे निकल जाएगी समानांतर अब जो दोनों पीछे आभासी जहाँ टकरेगी वो फोकस और ध्रुव के बीच टकरती है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है तो बोल रहा है कि जब छोटा लेंस से हम देखेंगे तो इसका वस्तु रियल वस्तु ये है और इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है और अगर हम बड़ा लेंस से देखेंगे तो बड़ा लेंस के लिए छोटा का प्रतिबिंब और इसका वास्तविक वस्तु और बड़ा के लिए इसका भाषिक प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो हमको वस्तु यहाँ दिखती है यही हम सब चीज़ सब चीज़ देखते हैं तो इसका फिगर कुछ इस तरह से था कि इसका छोटे वाले के लिए वस्तु यहाँ था और इसका इमेज यहाँ बन रहा था बड़े वाले के लिए वस्तु है और इसका इमेज यहाँ बन रहा है ये था इसका फिगर था इसको मैंने डॉटेड लाइन कर दिया अब बोला है कि जब अंतिम प्रतिबिंब इस उन्नीस का सेकेंड में कि जब अंतिम प्रतिबिंब निकट वस्तु पर बनता हो तो आवर्धन शक्ति के लिए व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब यही ना है इसका एक का यहाँ बन गया इसका जो था यहाँ बन गया अब इसका था जो यहाँ बन रहा है तो सबसे अंतिम प्रतिबिंब यही ना है तो जब अंतिम प्रतिबिंब निकट वस्तु पर बनता हो तो आवर्धन शक्ति के लिए व्युत्पन्न व्यंजक प्राप्त करें तो आवर्धन शक्ति के लिए व्युत्पन्न व्यंजक क्या होता है मेरे पास एम बराबर होता है बीटा और बटे होता है अल्फा तो हम टेन बीटा बटे टेन अल्फा मानेंगे तो हम क्या करेंगे टेन बीटा का वैल्यू पी क्यू और नीचे क्या मानेंगे अल्फा बराबर पी ओ टू बटे ए बी बटे पी ओ टू टेन बिटा टेन बिटा को हम क्या क्या मानेंगे पी क्यू बटे पी ओ टू पी क्यू बटे पी ओ टू क्या माने यहाँ पर हमने क्या माना पी क्यू इसको हमने जो वना इसको हमने पी मान लिया और पी पी ओ टू यहाँ पर हमने ओ टू मान लिया यानी कि पी ओ टू यहाँ इस दूरी को और इस दूरी को हमने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया पी क्यू बटे, बटे पी ओ टू और टेन अल्फा के लिए क्या लिखा ए बी बटे पी ओ टू ए बी टेन अल्फा के लिए क्या माने हमने ए बी बटे और यहाँ पर क्या हमने पी ओ टू यानी कि पी टू माना पी टू पी ओ टू और हम क्या करेंगे ना इसमें क्या करेंगे इसको ऊपर क्या करेंगे तो पी क्यू बटे पी ओ टू और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर टे पी ओ टू तो पी क्यू से पी क्यू ओ टू कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास पी क्यू बटे ए बी अब हम क्या करेंगे ये तो प्राप्त हो गया अब हम ये जो था फाइनल फिगर अब बड़ा वाले के लिए था फिगर तो इससे हम दोनों में गुना कर देंगे क्या कर देंगे गुना भी दे देंगे दे 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 और भाग भी दे देंगे दे दे। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब तो हम ऊपर वाले को जो ऊपर वाला पी क्यू है उसको इसके साथ नीचे बटे में लिख देंगे और इसके साथ हम इसको इसको लिख देंगे अब इसको लिखने से क्या फायदा है कि हमारा प्राप्त होता है एम ई इंटू एम ओ प्राप्त हो जाता है अब हम इसको क्या करेंगे एम बराबर एम ई एम इंटू एम ई करेंगे और एमओ बराबर होता है एमओ का मतलब होता है वस्तु को फिगर में देखेंगे तो भी ओ प्राप्त होगा भी नोट और एम ई बराबर मतलब होता है यू नोट अब हम एम ई के जगह पर क्या पुट करेंगे इसके जगह पर आई वन प्लस डी बट्टे एफ ई साधारण सूक्ष्मदर्शी के लिए हमने पुट करता था पहले जब आप साधारण सूक्ष्मदर्शी पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ पुट किए थे अब हमारा एमओ बराबर क्या जाएगा भी नोट यू नोट बट्टे वन प्लस डी एफ ई अब क्या जाएगा आगे और सोल्यूशन करेंगे तो एम बराबर जाएगा माइनस का भी नोट बटे यू नोट बटे वन प्लस डी बटे एफ ई जब भी ओ को हम एल मान लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर फाइनल हमारा एम बराबर माइनस का एल बटे एफ नोट ब्रैकेट में वन प्लस डी बाई एफ ई क्वेश्चन बोल रहा था क्या था क्वेश्चन इसका किसके लिए प्रतिबिंब के निकट अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो इसके लिए निकट वस्तु पर व्यंता है तो वह आवर्धन का शक्ति प्राप्त करना था तो यह था हमारा इस आवर्धन का शक्ति प्राप्त हो गया तो फ्रेंड्स यह था हमारा सेट नंबर वन फिजिक्स का सेट नंबर वन का सेक्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर पंद्रह से क्वेश्चन नंबर उन्नीस तक का यही था हमारा तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे ही सभी सेट का वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना हमने पहले ही ऑलरेडी हमारा थी फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और बायो का सेट वन से लेकर के फाइव तक यानी सभी का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है और अब बाकी सिर्फ फिजिक्स का सोल्यूशन करने के लिए और चार सेट का तो सभी का सोलूशन धीरे धीरे आपका हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अगर इस वीडियो से जरूर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मिलते हैं गाइज सेट नंबर टू के सलूशन में तब तो तक के लिए जय हिंद